आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो देखो लेसन नंबर 3 के अंतर्गत सारा चीज सुन लो, याद करो मुझे जवानी फिजिक्स है। कोई पूछे तो क्या करोगे? सारा देखिए गति तुम लोग याद होगा ना, जैसे जब कोई वस्तु एकदम सीधा रेखा में गति करता है, एकदम माने किस रेखा में गति करता है, सीधा रेखा में गति करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सरल रेखीय गति। और गति अवस्था क्या होता है? जब कोई वस्तु है उस वस्तु में समय के साथ उसके स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं गति अवस्था। एक होता है विराम अवस्था के मतलब कि जब किसी वस्तु में समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम लोग कहते हैं विराम अवस्था। और दूरी किसे कहते हैं? किसी वस्तु के रेखांक समय में तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। और दूरी बराबर तब याद होगा चार गुणा क्या होता है समय। और दूरी एक अदिश राशि होता है, सुना जी ए याद तो करो, दूरी एक अदिश राशि होती है, इससे यश से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। और चार बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो किसी वस्तु के रेखांक समय में तय की गई दूरी क्या कहते हैं? चार। और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद करना दूरी का मीटर। और सेकेंड समय का होता है सेकेंड। और एक समान चाल बराबर होता है समान दूरी होता है समान समय। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। समान चाल भी तुम लोग याद होगा, समान समय में अलग अलग दूरी तय करेगा तो उसका समान चाल कहते हैं। उसी प्रकार से आपका वेग होता है, तो कोई पिंड एकांक समय में जितना में विस्थापित होता है उसको वेग कहते हैं। एक समान वेग कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? इस समान विस्थापन होता है समान समय। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकता। दूरी शून्य हो सकता है लेकिन हो सकता है बिंदु अगर लगे बिंदु मीटर शून्य हो सकता है, इसे अपनी लंबाई चलानी चाहिए नहीं। एक होता है समान वेग, जो भी आपके यहाँ पर तोरा भी तो याद होगा वेग परिवर्तन के तरह हम लोग क्या कहते हैं? तोरा को याद करो, वेग परिवर्तन के तरह हम लोग क्या कहते हैं? तोरा कहते हैं। हम लोग का टारगेट जानते हो कहाँ है? टारगेट तो न्यूमेरिकल लगाना ज्यादा। चलिए तो सब याद हो गया। आई का एक समान तरह की याद होगा, समान समय में समान वेग तय करता है, असमान समय में अलग अलग वेग तय करता है। कुल वेग होता है कुल समय होता है सब तोरण के लिए। ताक्षणिक का मतलब होता है कम समय में जितना वो वेग तय करेगा। धनात्मक मतलब होता है समय के साथ जब वेग में क्या होती है वृद्धि होती है तो धनात्मक तोरण कहते हैं हम लोग। अरियात्मक मतलब होता है जो सब समय के साथ वेग में क्या होती है कमी होती है तो इसको कहते हैं। और गति का तीनों समीकरण याद है क्या आपको? गति का तीनों समीकरण सिद्ध भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गति का पहला समीकरण होता है बाबू भी बराबर यू प्लस ए टी, और दूसरा होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आपका होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एक झलक में आप तीनों गति के समीकरण देख लीजिए। पहला में सिद्ध करके दिखाता हूँ, पहला में कुछ नहीं त्वरण से ले लेंगे त्वरण। पहला में सिद्ध कर रहा हूँ गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण। अगर कोई कहे सिद्ध करने के लिए सिंपल सी बात आपकी रहेगी, पढ़ेंगे त्वरण बराबर वेग परिवर्तन के तरह को क्या कहते हैं? त्वरण। यानी ए बराबर डेल्टा वी बटा डेल्टा क्या रहा टी डा, ए वैसे ही रखेंगे जहाँ डेल्टा वी है वी माइनस यू अपान ए बटी रखेंगे, टी माइनस जीरो होता है डी बटी रखिए। भाई जब वेग परिवर्तन होगा तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वी माइनस यू टी से यदि गुणा करेंगे तो वी माइनस यू बराबर ए से गुणा टी में करेंगे ए टी, तो वी बराबर इधर जाएगा पी यू प्लस ए टी। इस तरीके से आपका ये गति का पहला समीकरण सिद्ध किया। दमदार तरीके से सुन याद करो, जब मैं पढ़ता था पूरा मास्टर मुझे डरते थे, इतना मैं इंटेलिजेंट था सोच लो, और आज भी पूरे टीचर डरते हैं हमसे सोच लो। जमाना है ना गति का दूसरा समीकरण, तुम डरते हो हमसे बोलो सुनो, मुर्गा तो डरता ही नहीं है। चलो गति का दूसरा समीकरण सिद्ध करना है तय करा के औसत देख सकेंगे। औसत वेग बराबर क्या होता है? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा में दो, ये तो होता है। लेकिन हमें क्या है हमेशा जानते हैं गति के दूसरा समीकरण में भी नहीं आता है, तब भी जब नहीं आता है तो इसका पहला समीकरण हम रख देंगे कौन ई प्लस ए टी, लिखा जाएगा ई प्लस ए टी प्लस यू अपान दो जोड़ दो तो दो यू प्लस ए टी अपान दो अलग अलग कर दो यू अपान दू ए टी अपान दू। अब अलग अलग मत करेंगे छोड़ दो, इतना हो गया। अच्छा आप पढ़िए दूरी बराबर क्या होता है आदित्य बाबू, अब आप पढ़िए समझ रहे हैं, समय बर्बाद नहीं किया जाता, दिस इज वेरी कॉस्टली। चलिए इधर देखिए,
दूरी बराबर का होता है चार बजे समय सीट रहना चाहिए। अच्छा मान लो भविष्य में तुमसे कोई पूछे गति कितने समय का सीट करो तो वहाँ पर बीट नहीं करना चाहिए। लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, जिंदगी जो हम लोग जी रहे हैं जो हम लोग सीख रहे हैं उसको लाइफ में बहुत यूज करना है। बात समझ रहे, अभी मैं जानकारी तभी तो यहाँ हाथ करके लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे जानकारी आपको होना चाहिए। बोल भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, चला हिला भी रहा हूँ, चला दूरी का लिखा जाए यस आइए। अचार के बाद काले कहीं हाई हल्का लाइन में अचार के बच्चे अब एक और बात है कि होता डू यू प्लस ए टी अपान टी अपान टू है तो दूरी का और समय का टी टी समय की पढ़ाई मारते दोनों यह सब डू यू टी और प्लस ए टी अलग अलग है डू आई डू वैसे डू यह सब यू टी प्लस एक होना डू ए टी इस बार ये का टी का वैसे इतना प्यारा प्यारा है प्यारा सजा है तेरा द्वार तीसरा सरकार आता है यहाँ भक्तों की लगी है कटार भवानी अब प्यारा सदा है तेरा द्वार भवानी गति का तीसरा सरकार सीख करेंगे तो पहला के बार करके हल करते देख ना रे कटार तक आने सभी का बार प्रावयु का बोला बार हाँ हाँ पैसा का पैसा कितना रुपये वो गिरा का पैसा पूछा पंगरिया हटा नहीं चोरी रहा पैसा हाँ चल अभी बराबर भी इसका ना भाई उसका अच्छा इसे क्या कामल लिया सकता है दोनों में से दुए कामल है दो एक और दुए कामल का मतलब है कि जो अंदर दिया है उसी में दुए से इसमें भाग दे दो और दो यू ए टी है इसमें भी दूसरा भाग दे दो दुए से और ये से ये दूसरा दो ए से स्क्वायर कभी स्क्वायर वाला यू स्क्वायर प्लस टू ए ये पूरा दो ए टी स्क्वायर प्लस यू टी अगर जब यस लिखा जाएगा तो आगे भी स्क्वायर वाला यू स्क्वायर प्लस टू ए यस इस तरीके से करते करते सभी काम लोग कर दिए सिद्ध कर दिए। अब आते हैं न्यूमेरिकल के पास किस कॉल करते हैं हम लोग बहुत प्यारा क्वेश्चन आया और क्वेश्चन भी कहा आपसे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा व सेंटीमीटर प्रति मिनट में बदलिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जब भी आपको किलोमीटर दिखाई दे 1000 से गुणा करेंगे तो मीटर में, 100 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर में। ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 36 किलोमीटर को 1000 से गुणा करोगे मीटर में, लेकिन आपको सेंटीमीटर में बदलना फिर 100 से गुणा करेंगे और नीचे घंटा है मिनट में बदलने के हिसाब से आपका इतना आंसर आ जाएगा 6-7000 सेंटीमीटर प्रति मिनट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एकदम आपको एक्सपोर्ट की तरह हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल है और सवाल भी दिखाया गया आपसे कि एक परियोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुँचने में 5 मिनट का समय लगता है तो पृथ्वी से अंतरिक्ष यान का दूरी बताइए। अच्छा आपसे मैं पूछूं क्यों आप मिनट को सेकेंड में चेंज किए? देखो फिजिक्स में यही दिक्कतें होती है कि अगर कोई सेकेंड में अगर सबको सेकेंड में बदलना पड़ेगा हाँ क्यों सेकेंड में बदले मीटर नहीं दिया है मीटर पर सेकेंड दिया है जो मूल मात्रक होता है अगर सेकेंड दिया तो आपको सेकेंड में बदल कर हल करना पड़ता है। किलोमीटर में तभी मिनट में सेकेंड में बदलेंगे, घंटा में तभी सेकेंड में बदलेंगे। जो उसमें नियतांक का मान होता है नियतांक पहले आप देखिए कि उसका मान किस में दिया है किस मात्रक में दिया है उस मात्रक के अनुसार पूरे राशि को चेंज करना पड़ता है तब आपका आंसर आता है। यहाँ दूरी बराबर चाल गुना समय से लगाएंगे, चाल आपका दिया है कितना 3 गुना 10 के बराबर। निर्वात और प्रकाश के चाल इतना ही होते हैं, इससे अधिक कोई प्रकाश की चाल नहीं हो सकती है कि निर्वात वह होता है जहाँ ना धूल के कण होते हैं ना वायु होती है ना बकरी का पूंछ होता है ना तेरा पापा का मोछ होता है कुछ नहीं होता है ये होता है। और आपका समय आपका सेकेंड होता है 3 सौ अपना कर 9 गुना 10 को बताओ 10 को बताओ क्यों आया 8 है बताओ जी। एक और क्वेश्चन आपके पहले मैं थोड़ा आपको समझाते भी चलूँ। इस तरीके के सवाल आपको हमेशा देखने को मिलता है कि एक बस की चाल 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घट करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो तुरंत बताना है। चलिए समय तो दे दिया 5 सेकेंड, लेकिन फिर देखिए समय 5 सेकेंड दिया है और यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है जो मैं सो बदलिए ये काम करिए। समय जब सेकेंड में दिया है इसको भी सेकेंड में बदलना है, जब सेकेंड में बदलेंगे तो आप पद्धति का यूज करेंगे जिसका नाम होता है एम के सेकेंड मीटर
सेकेंड था मीटर, इसका मतलब ये बात सेकेंड और मीटर की जब बात आ गई तो चेंजिंग करना आपका बहुत अनिवार्य होता है। आप जब हल करेंगे टाइम निकलेंगे 5 सेकेंड, टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड, यू कमाना पड़ेगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको याद होगा जहाँ मीटर पैसे सेकेंड बदलने के लिए आपको 5/18 से गुना जरूर कर सकते हैं, 5/18 से गुना जरूर कर देंगे मीटर पैसे सेकेंड बदलने के लिए, तब ताकि काट सकते हैं। अगर आप 6 से काटेंगे 36/18, नहीं नहीं 6 से मत काटिए, 2 से काटिए 9/18 40 आ गई, तो 5 से 20 200/98 आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया, 5/18 से गुना कर सकते हैं, यह भी नहीं आता तो उतना तो गुना करेंगे तो आ ही जाएगा ना, किलोमीटर के लिए खेला लिखोगे 3600, 0 से 0 काट देंगे फिर 5/18 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक कमा दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 है तो 60 लिख लो, 5/18 से फिर गुना करो, फिर 2 से काटो 9/20 30/20 5/15 150 बटानो, और ये भी मीटर पर सेकेंड हो गया है। क्या बताना आपको, थोड़ा बताना है तो भी आप पढ़े भी होंगे, क्या गति के प्लस समय कैसे भी बढ़ा हुई प्लस 80 से कभी कितना है भी आपका आ चुका है भी 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 150 बटाना यू देख करोगे माइनस में माइनस में 200 बटाना बराबर 80 10/9 150 माइनस 200 बराबर 80 और आपका कहाँ हो जाएगा घटेगा माइनस 50 बटाना टी बटा में टी कितना है 5 है तो 5 कर लीजिए बराबर ही, और ये 10 बार में मैं 9 10/9 ठीक कमान इतना ये नहीं बराबर मैं 10/9 मीटर प्रति सेकेंड इसका है, ये हमारा आंसर है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग लगा लेंगे। अरे क्वेश्चन देखो कैसे हल करोगे, देखो कह रहे हैं कि 10 मिनट में 400 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल प्राप्त कर लेती है, तो थोड़ा बताइए तो देखो हल करो, टाइम आपका है 10 मिनट, तो मिनट को बदल दो सेकेंड में 60 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा। चाल दे दिया है, चाल दिया है कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 मिनट है भाई, 5/18 हो जाएगा, काटो 209 बार में ही 20 बार में ही ये कितना हो जाएगा 2 5 5 10 1000 2500 बटा में 9 मीटर प्रति सेकेंड। क्या बताना है त्वरण, तभी बराबर ये प्लस 80 जहाँ भी होगा तो हाँ सौ यू कमान 0 रखिएगा, यू कमान क्या रखिएगा 0, ये निकालना है टी कमान कितना रखेंगे 600 बटा में जाएगा 100 बटा में 9 6 600 बराबर 1 2 0 2 0 1/6 9 6 बराबर ही भाग दिए तो इतने रखिएगा हम आता जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नोट।